दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हाथ पांज प्याले पांज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी जुगो जुग अटल दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सुभाए मान परम सत्कारयोग साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वव्यापक अकाल पुरख वाहिगुरु की अपार बख्शिश दे सदका सतगुरां की पावन हजूरी विच जुड़मल बैठ सतसंगत करन दा भागा भरिया समा सरबत वडभागी संगतां नूं प्राप्त हो रहा है। अज विशेष तौर ते संगतां सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दा शस्त्र धारण दिवस मना रहियां ने जिस नूं के मीरी पीरी दिवस दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। पिछले दिनें सतगुरां श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी की पावन पवित्र शहादत का दिहाड़ा संगतां ने मनाया। जेठ सदी चौथ संमत 1663 बिक्रमी 30 मई 1606 ईस्वी नूं लाहौर विखे तत्ती तवी ते बैठ के तत्ता रेता जिसम ते पवा के अकह और असह तसीहे कष्ट झलदिआं होइआं पंचम पातशाह जी ने अदुत्ती शहादत प्राप्त कीती और कौम अंदर कुरबानी दे जज्बे दा मुढ बन्निआ। सतगुरु जी दी पावन इस शहादत दा असर जो लोक मना दे विच होया उस असर नूं सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाखूबी वरतिआ। तत्ती तवी ते बैठ सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने जालम हकूमत नूं एक वंगार पाई सी, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा, फसीलो आतश अहन बुलंद ही सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा, मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। शहादत होई सतगुरु महाराज जी दी और जेड़े पांच सिख सतगुरां दी हजूरी विच उस वक्त हाजर ने भाई विधि चंद भाई जेठा भाई पुराणा भाई पैड़ा भाई लंगा इन्हां नूं सतगुरु महाराज जी ने यह सुनेहा दिता सी कि साहिबजादा हर गोबिंद जी नूं साडा यह सुनेहा देना कि जालम हुण केवल शांतमई दे नाल बाज नहीं आवेगा बल्कि जालम हकूमता दे नाल करड़े हत्थी सिधना पवेगा, इसलिए शस्त्रधारी हो तख्त सजा दीवान सजाउणे और जुलम दा टाकरा दृढ़ता दे नाल करना। सतगुरां दी शहादत उपरांत ये पंजे सिख जदों लाहौर तो अमृतसर साहिब पुजे 11 साल की उम्र मीरी पीरी दे मालक सतगुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दी सरबत संगतां उड़ीक रही सन अमृतसर साहिब विखे के 10 दिन तो वधीक समा सतगुरु अर्जन देव जी नूं लाहौर गया हो गया है।
पर उथे की कुछ वापरिया है अजे कोई खबर नहीं आई। बड़ी उत्सुकता दे नाल संगत उड़ीक कर दिया सन। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की हजूरी विच संगत सुशोभित पंजे सिख लाहौर तो अमृतसर विखे पहुंचे, जिन्हां ने सतगुरु अर्जन देव जी की शहादत का दर्दनाक साका अपनी अखी तकिया है। भावें सारे दे सारे सिख ही ज्ञानवान हैं, आत्मक ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हैं, पर गुरां का सच्चा सुचा प्रेम अखी तकिया होया दुखदाई साका और सतगुरु जी दे शरीरक विछोड़े का मन दे अंदर अकह दुख इन्हां गुरमुखां प्यारियां दे चेहरियां तों प्रतख नजरी आउंदा है। पहुंचे हन गुरदरबार अंदर, खामोश हन, चेहरे उदास हन, हिरदे की पीड़ा साफ चेहरियां तों पड़ी जांदी है। सो उस वक्त सरबत संगत दीआं अखां इन्हां गुरमुखां दे वल्ले लगियां सन कि इह प्यारे तां सतगुरां दे नाल गए सन, इकले ही परत आए ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी इन्हां दे नाल नहीं, की वापरी है, की कुछ होया है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने बरतांत पुछया सी, गुरसिख प्यारियो पिता सतगुरु जी नूं कित्थे छड आए, ओ तुहाडे नाल क्यों नहीं आए, सुनाओ की बीती। अंतरगामी सतगुरु छेवें पातशाह भावें सब कुछ जानते हैं, पर क्योंकि सतगुरु महाराज जी की शहादत का साका सारिया संगतां नूं सरवण करवाना है और मुरदियां दिलां दे विच जोश भरना है, इसलिए अंतरजामी सब कुछ जानणहार सतगुरु जी अणजाणा की तरह गुरसिखां पासों पुछदे ने कि प्रेमियों की गल है, तुसीं एने मुरझाए हुए क्यों हो, सतगुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नाल क्यों नहीं आए, की पाणे वापरे ने। भाई पुराणा, भाई विधि चंद, भाई जेठा गुरसिख प्यारे लफज कहना चाहते ने, पर दिल का गच भर भर आउंदा है, हिरदे का वैराग लफजा नूं मूंह दे दरवाजे राही बाहर नहीं आउण देंदा। अखीर सतगुरु जी दे बख्शे बल द्वारा भाई जेठा जी होरां ने सतगुरु अर्जन देव जी की शहादत की सारी वार्ता सुनाई कि हे सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जीओ, जालम चंदू दे घर विखे इउं अकह और असह कष्ट पंज दिन सहारदिया होया, रावी दरिया के किनारे सतगुरु अर्जन देव जी ज्योति ज्योत समा गए, शहादत का जाम पी गए। सारी वार्ता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं सरवण कराई। हजूर ने पुछया, कोई पिता सतगुरां दी उस वक्त की अवस्था, कोई सुनेहा बेनती कीती सी गुरसिख प्यारियां ने कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, भावें चार चफेरियों सेक ही सेक प्या वरदा सी, भावें चार चफेरे उपरों शरीर दियों गर्म रेता पैंदी सी, पर धन सतगुरु सच्चे पातशाह जी के आप जी उसे ही एकांत रस विच, उसे शांत रस विच एक रस लीन सन, किसी किस्म का कोई दर्द का निशान, कोई विखेपता सतगुरु महाराज के मन अंदर जो वो दिखाई नहीं दिती। हत्थां दे शौदे लै गए सन, पर माला उवें फिरदी सी। सतगुरु महाराज जी की यह अवस्था सी और रावी दरिया के किनारे उन्होंने आप जी प्रति यह संदेश प्रमाण किया सी कि जालम हुण करारे हत्थां बाज सूत नहीं होना। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज 11 साल की उम्र है, पिता सतगुरु महाराज की शहादत को सरवण कर दिलगीर नहीं होए, बल्कि जोश विच आके उस वेले भरी संगत दे अंदर ये प्रण किया सी कि दुनिया दे अंदर जिन्ने भी कोई मंद कर्म कहे गए ने, जिन्ने भी पाप कहे जाते ने, उन्हां पापां दा और मंद कर्मां दा सारा फल साडे सिर चढ़े जे असी पिता सतगुरु अर्जन देव साहिब जी की शहादत लई जिम्मेवार चंदू दीवान दे नक विच नकेल पा के ते उस नूं दर दर ते फेर के छित्तर मरवा के बुरी मौते मार उसदे कीते दा फल ना भुगताइए। प्रतिज्ञा सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कीती, पर ए प्रतिज्ञा
कोई क्रोध विच आ के बदला लऊ नीति दे अनुसार ही नहीं। आम तौर पर मनुख क्रोध विच भड़क उठदा है, क्रोध दे इस जोश विच ओ होश नूं तलांजली दे दिंदा है, होश भुल जांदा है ते केवल बदला ही प्रमुख रख के बदले दी अग विच आप सड़दा है और होरनां नूं सारदा है। पर सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी दी इह प्रतिज्ञा केवल संसारक तौर ते बदला लऊ कारवाई दा प्रण नहीं, मन अंदर क्रोध नहीं, बल्कि लोक मना दे अंदरों कायरता नूं खत्म करन दे वास्ते और वीर रस दा संचार करन वास्ते पूर्ण तौर ते होशो हवास दे सहत और पूरी सोच समझ दे नाल सतगुरां दा लिया गया फैसला है। क्योंकि जे ऐसे जालम बंदियां नूं उन्हां दी कीती दा फल ना भुगताया जावे ता उन्हां जालमां दे और उन्हां वर्गियां अनेकां होर लोकां दे हौसले बुलंद हुंदे ने और ओ फिर धर्मियां नूं दुख देण विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डदे। जरूरी है कि जालम नूं जुल्म वल्लों होरन दे वास्ते जालम दा जिहड़ा कोई बहुत दर्दनाक अंत है वह लोकां दे सामने आवे। इसे लई सतगुरु महाराज ने मुरदियां मनां विच जान पाउण लई और लोक मना अंदर जोश भरन लई कि सतगुरु पिता की शहादत का यह साका साडियां सिख संगतां नूं मायूस ना कर देवे, हकूमत का दबदबा जां दहल साडियां सिखां दे मनां विच ना बैठ जावे। इसलिए सतगुरु महाराज जी ने बाहोश यह जोशीली प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा तो भावें समें दे मसंद डरे भी सन और सत्कारयोग माता गंगा जी दे कोल जाके उन्होंने बेनतियां भी कीतियां सी कि माता जी साहिबजादा जी नूं की हो गया है, बाल वरेस है भाव न्याणी उम्र है, देखो न्याणियां वालियां गल्लां ही करदे ने। कल अजे चंदू दीवान जो कि जहांगीर बादशाह दा खास खास है उसने साडे सतगुरां नूं कष्ट दे के शहीद किया, आपां कुछ भी ना कर सके, हकूमती ताकत दे अगे आपां की कर सकते हाँ, किवें अड़ सकते हाँ। ऐ गल जो भरे दरबार विच हरगोबिंद जी ने कही है जे दीवान चंदू ने सुन ली जां बादशाह ने सुन ली तां कैसे भयानक नतीजे निकल सकते ने। साहिबजादा जी नूं समझाओ कि ऐसियां जोशीलियां गल्लां ना करन। पर माता गंगा जी जानते हैं कि मेरे नूरे चशम मेरे जिगर दे टुकड़े श्री हरगोबिंद जी आम व्यक्ति नहीं, आम बालक नहीं, बल्कि ये श्री गुरु नानक देव जी की गुरता गद्दी दे मालक हैं। मसंदा नूं भी प्रभास दित्ती है माता जी ने और ये वचन कहे सन कि जो उन्हां कहा है वह करके दिखाउणगे। फिर सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी की शहादत नूं समर्पित सहज पाठ श्री दरबार साहब के अंदर सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने आरंभ करवाया। बाबा बुद्धा जी ने सहज पाठ सारा जो सी ये संगतां नूं सरवण कराया और फिर हार सुदी सप्तमी संमत 1663 विक्रमी का दिहाड़ा जिस दिन इस सहज पाठ का भोग पिया, इस तो उपरंत विधिवत सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की ताजपोशी होनी है। भावें कि गुरता गद्दी की अर्पणा लाहौर जाने तो पहला सतगुरु अर्जन देव साहब जी खुद कर गए सन, पर हुण सतगुरां दे शहादत दे इस साके उपरंत श्री सहज पाठ जी दे भोग वक्त श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की गद्दी नशीनी होनी है, ताजपोशी होनी है और संगतां बड़े उमाह उत्साह नाल नेड़ियों दूर दुराडियों सारियां थावां तो हम हमा के पहुंचियां होईयां सन। जब गुरमत की प्रातन चली आ रही रीत मुताबक बाबा बुद्धा जी सहली टोपी लैके आए सन तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह पहनण तो इनकार किया। सहली टोपी की चीज है? सो एक दस्तार जां टोपी जो फकीरी की निशानी मनी जाती है। सहली का अर्थ है माला जो खास तौर पर ऊन दे जां रेशम दे काले वस्त्र की बनी हुई हुंदी सी। सो ए जां तां टोपी उपर दस्तार दे उपर फकीर लोग लपेड़ दे सन जां जनेऊ वांगू इस नूं गले पहन दे सन।
ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਸੇਧੀ ਔਰ ਟੋਪੀ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸੇਲੀ ਔਰ ਟੋਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵਸਤਾ ਹੁਣ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸਜਾਇਆ ਔਰ ਜਿਗਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣੀ ਔਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਰੇ ਸਨ, ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੀਰਾਂ ਸਿਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੀਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰ ਝੁਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਉਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲ ਜੋੜਿਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਿਆਂ ਔਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਰੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਤਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਰੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਸੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੈਦੀ। ਕਮਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਜੀਰੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਮਾਨਾਂ ਤਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਰੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੈਣੇ ਨੇ ਰਾਜ ਬਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਕੀਰੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਜਿਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਗਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
महाराज ने फरमाया पैने ने राज बदली विच फकीरो होश विच आओ हर एक जर्रा बागीए अमीरो होश विच आओ लहू दे नाल छेती ही जख्म हुण धोण वाला है बड़ा कुछ होण वाला है बड़ा कुछ होण वाला है। जोशीली तकरीर की सी सो आम लोग आई दे मुर्दे हाल होए होए मना अंदर नवी जान पाई नवे जोश ने अंगराई लई कदे सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब सच्चे पातशाह जी ने खडूर साहिब जी की परम पवित्र धरती ते मल अखाड़िया का प्रबंध करके पहलवाना दियां कुश्तियां दे दंगल रचा के सिख कौम अंदर सिख जवानी दे अंदर अपने शरीरां दी अपने जुस्तियां दी संभाल का शौक पैदा किया सी। ये इसे ही दिन वास्ते सी कि साडे सिखां नूं दृढ़ता दे नाल जुल्म दा टाकरा करना पैना है। ओ मल अखाड़िया विच मजबूत होई होई जवानी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे दर ते पहुंची है। सतगुरां ने ऐलान किया सी कि अज तो चंगे शस्त्र चंगे घोड़े और चंगी जवानी लैके जो भेटा लैके साडे कोल आवेगा उहदे उपर साडी बहुत प्रसन्नता होवेगी सतगुरु नानक देव साहिब दी रहमत होवेगी। मुगलिया हुकूमत ने काफी ऐलान समय मुताबक किए हुए सन इत्थे बाबर दे घराने दा राज है मुगलिया हुकूमत दी सल्तनत है मुगलों तो बिना और मुगल सिपाहियों तो बिना कोई अपने सिर दे उपर उच्ची दस्तार नहीं बन सकता कोई कलगी जिगा नहीं लगा सकता कोई अपने निशान खड़े नहीं कर सकता फर्रे नहीं चला सकता भाव झंडे नहीं लगा सकता कोई इसे प्रकार उच्चियां आवाजा दे विच कोई ढोलकियां छैने नहीं बजा सकता कोई घोड़ सवारी नहीं कर सकता। छेवें पातशाह महाराज जी ने समय की हुकूमत नूं खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिंदिया होया इन्हां सारे हुक्मां दी ना अदूली कीती। हजूर ने फरमाया दस्तार दे उपर दुमाला चढ़ावांगे दुमाले उपर जगा और कलगी सजावांगे इसे प्रकार कीमती मोतियां दी माला अपने गले पहनांगे जो कि अमीरी दी और बादशाहत दी निशानी मन्नी गई है। एक फरहरे दी गल तां की दो दो निशान साहब इकट्ठे चुलणगे महाराज ने दो निशान साहब चलाए जो अज भी चुलदे हन अकाल तख्त साहिब और जिथे भी संसार विच छेवें पातशाह जी का पावन पवित्र चरण सो अस्थान होवे उत्थे आपां नूं दो निशान साहब चुलदियां दे ही दर्शन दारे हमेशा वास्ते होणगे। दो निशान साहब सतगुरु महाराज ने चलाए जिवें मीरी और पीरी दियां दो तलवारां पहनियां है इसे तरह दो निशान साहब जो इकट्ठे चुलदे हन ये भी मीरी और पीरी के सिद्धांत की प्रोड़ता करते हुए उस निशानी वजो ही चुलदे हुए सानू नजर आते हैं। और सतगुरु महाराज ने ये एक खास ख्याल रखिया मीरी नू हमेशा सतगुरु महाराज ने पीरी की ताबिया के हेठ रखे है पीरी उपर मीरी नू ता हावी नहीं होण दिता भाव राजनीति धर्म के उपर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने नहीं आउण दिता बल्कि धर्म नू हमेशा राजनीति दे घोड़े ते असवार रखिया है नीति हेठा है धर्म उपर है। मुख स्थान पीरी दा स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब है श्री हरिमंदर साहिब जी दी पहरेदारी दे वजों मीरी दे स्थान पावन श्री अकाल तख्त साहिब दी सिरजना सतगुरु सच्चे पातशाह ने कीती। वर्णन आ गया है विचार विच श्री अकाल तख्त साहिब जी दा अज कल आम तौर पर प्रचलित विचारधारा के मुताबिक एक दूसरे वाल वेख वेख के एक दूसरे दियां लिखतां पढ़ पढ़ के सारे दे सारे विद्वान ही श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना का दिहाड़ा 15 जून और 1606 ईस्वी लिखी जाते हैं। प्रसाद संगत जी 30 मई 1606 ईस्वी को श्री गुरु अर्जन देव साहिब की शहादत हुई और 15 जून 1606 ईस्वी तक श्री अकाल तख्त साहब की सरजना होनी ये इतिहास के मुताबिक ढुकमी नहीं। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब की सरजना का जो संमत है वह 5 हार 1666 विक्रमी दिता है तो 1666 विक्रमी के मुताबिक 1609 ईस्वी बनती है। भाई कान सिंह बाबा ने महान कोश अंदर 1665 किया है 65 मुताबिक 1608 ईस्वी बनती है 1606 फिर भी नहीं बनती। पता नहीं साढ़े अजकल के विद्वाना ने 1606 ईस्वी किवें मशहूर कर दिती इतों तक कि श्री अकाल तख्त साहब की सरजना का 400 साल भी जो है वह 1606 के हिसाब न 2006 मनाया गया। पर प्रातन लिखता जिन्हिया भी ने
भाई रतन सिंह जी भंगू का पंथ प्रकाश, ज्ञानी ज्ञान सिंह का पंथ प्रकाश और खालसा तवारीख, ये सारिया जो प्राप्त लिखत हैं ये 1609 ईस्वी सिद्ध कर दया ने कि 1609 ईस्वी श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना हुई। उदों जदों के समुची कौम सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहनुमाई हेठ तकरीबन 3 साल का अरसा शस्त्र विद्या विच पूरी तरह निपुण हो चुकी है, जदों के सिख मना दे अंदर जोश जो है वह ठाठा मारदा है, जदों सतगुरां दी कृपा दे नाल शस्त्र विद्या विच निपुण हो के समूह सिख संगतां दे मना विच ये आत्मविश्वास बढ़ चुका है कि हुण असीं दुनिया की तगड़ी तो तगड़ी ताकत नाल भी टाकरा लैण दे समर्थ होए हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस जोश नूं संजम दे विच वरतण वास्ते और इस जोश की वरतों लई एक केंद्र कायम करन वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की। और जिथे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब शांत रस का महान केंद्र स्थापन करके उसके अंदर मना नूं शांति देण वाली अमृत रूप गुरबाणी के कीर्तन का प्रवाह चलाया है, संगतां हर वक्त श्री हरिमंदर साहब के अंदर शांत रस नूं माणदियां ने। उत्थे सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने कोठा साहब के नेड़े जिथे बाद में श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की उस स्थान पर सुशोभित हो सिख संगतां दे मनां विच जोश भरन वास्ते शांत रस की रक्षा लई वीर रस की प्रपकता वास्ते सतगुरु महाराज ने ढाडी वाला का प्रचलन भी आरंभ किया। सुर सिंह के रहण वाले भाई नथा मल और अब्दुल मल पहले ढाडी गुरु घर दे जेड़े के सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच बाबा बिधी चंद जी की प्रेरणा दे नाल आके हाजिर होए सन, उन्होंने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की चढ़त जिस वेले तकी जदों सेली टोपी पहनण की थां सतगुरु सच्चे पातशाह ने सीस उपर सुंदर दस्तार सजाई दुमाला चलाया उपर जिगा कलगी स्थापित की मीरी और पीरी दियां दो तलवारां पहनियां तकड़ा जुस्सा मेरे मीरी पीर दे मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी का चंगा कद काठ चौड़ी छाती दलकदा होया मत्था खीवे नेत्र चेहरे की लाली डोल डोल पैंदी है। सतगुरु महाराज का उस वक्त का जल जलाओ वेख के मौके ते ही ढाडी नथा और अब्दुल ने सतगुरु महाराज जी की उस्तत दे विच उस वक्त वार की एक पौड़ी उचारण की सी। इस तो पहला यह दसना जरूरी होगा कि उन्होंने समया के अंदर बादशाह जहांगीर की पग के खूब चरते सन हिंदुस्तान अंदर कि जहांगीर बादशाह जो है पग बहुत खूबसूरत बांधा है, बड़ी सुंदर दस्तार अपने सिर के उपर बांधा, बड़े चरते सन ते जिथे पग केवल ते केवल एक बस्तर के रूप से शरीर में कजदी है उथे पग सिर्फ ते सिर्फ बस्तर के रूप में नहीं रह जाती बल्कि यह अपनी अणख और आबरू की अपनी गैरत की निशानी भी बन जाती है। जहांगीर बादशाह की खूबसूरत पग जो है उसकी खूबसूरती भी लोगों के मन में मोहती है और पग के सिद्धांत वजों उसकी बादशाहत का सिक्का भी सारे देश अंदर चलता है, हुकूमत उसके अगे झुलदियां ने। पर जब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने सुंदर दुमाला सीस उपर सजाया है और इवों अपना वीर रसी जल जलाओ कायम कर संगतां नूं बरछन बारे बख्शिश किए सन तां संगतां दे इकट्ठ विच उस वक्त नथा अब्दुल ढाडी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब की उपमा दे विच वार दी पौड़ी उचारण की सी। दो तलवारी वधियां एक मेरी दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाहां कोट गढ़ दरवाजा बलख बखीर दी नाल सपाही नील नाल मार दुस्तां करे तागीर दी पग तेरी की जहांगीर दी। हे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी आप जी की पग की शोभा के सामने जहांगीर की विचारी पग भला की है, भाव उसकी शोभा जो है वह भी मात पै गई है फिक्की पै गई है, जहांगीर की पग जो है आप जी की पग की बराबरी नहीं कर सकती। इसे तरह मीरी और पीरी का महान जो रुतबा महान फलसफा जो सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी आप जी ने कायम किया है इस फलसफे के बराबर भला बादशाह जहांगीर की हुकूमती ताकत कितने पहुंच सकती है। जो इज्जत जो सत्कार जो रुतबा संसार में आप जी का है जहांगीर वर्गियां का कदे नहीं हो सकता। यह समय की जालम हुकूमत नूं खुल्ल मुखुल्ला चैलेंज सी और सतगुरु सच्चे पातशाह ने इउं सूरमियां दे लहू नूं गुरमाउण वास्ते ढाडी वारां दा प्रचलन भी आरंभ किया
और इउं मीरी और पीरी दा सिद्धांत परपक करके जिथे सिख संगतां नूं शांत रस दे समें दौरान एक रस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम सिमरन और गुरबाणी दे कीर्तन नाल जुड़न दी प्रेरणा महाराज हमेशा करदे रहे। उत्थे मैदाने जंग विच दृढ़ता दे नाल जुझण लई वीर रस दी परपक्ता दी मना अंदर कीती। सतगुरां दी नित क्रिया दे मुताबक सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे अंदर रोज अमृत वेले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दीवान विच हाजरी भरिया करदे। तखत उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप प्रकाशमान हुंदे, संगत विच शोभित हुंदे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह और गुरु घर दे रागी भाई बाबकर बाबी दी आसा दी वार दा कीर्तन संगतां नूं सरवण कराउंदे। पिछले पहर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कोठा साहिब दे अस्थान दीवान सजाउंदे और इन्हां दीवानां विच भाई मत्था और अब्दुल ढाडी वीर रसी वारां दे नाल संगतां नूं निहाल करदे और ओह वारां जो हन उन्हां विच कोई दुनियावी ख्याल केवल कल्पना मात्र नहीं, कोई आशकाना किसे नहीं जां होर कोई दुनिया दे विच शिंगार रस दीआं कवितावां नहीं, बल्कि दुनिया उपर जिहड़े कोई सूरमे बहादुर हो गुजरे ने उन्हां दीआं बहादुरी दीआं गाथावां नूं वारां विच प्रो प्रो के ढाडी सरवण कराउंदे सन। सतगुरु महाराज दे मीरी और पीर दे सिधांत दा ही इह नतीजा सी। चार वार शाहजहान बादशाह दीआं फौजां सतगुरु हरगोबिंद साहिब ते चढ़ के आईआं पर सिख संगतां दे जोश अगे चारे वार उन्हां नूं मूंह दी खाणी पई। हर वक्त हार दा मूंह तकड़ा पिया। सतगुरु दीआं फौजां ने गुरु के ओट आसरे और बल सदका सदा सदा जित्तां ही प्राप्त कीतीआं और इसे सिधांत दे मुताबिक ही गुरु का खालसा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे वक्त भी फाकियां और कड़ाकियां भरी जिंदगी दौरान भी जालम हुकूमतां नाल जूझदा आया है। 18वीं सदी विच भी गुरु के खालसे ने इसे जज्बे तहत तेगा मारियां है और खालसा का सुनहरी इतिहास सिरजिया है। अज भी गुरु का खालसा और मीरी और पीरी के सिधांत ते चलदिया होया सतगुरु हरगोबिंद साहिब की बख्शिश दे नाल सदा जुलम के विरुद्ध जूझण के वास्ते तत्पर है, अपने हकों की राखी वास्ते तत्पर है गुरु का खालसा। यह सारी बख्शिश है सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की, जिन्हां ने मीरी और पीरी के सिधांत की परपक्ता करके शांत रास और वीर रास, भगती और शक्ति, धर्म और राजनीति एक जगह से एकत्र करके दुनिया के संत सिपाहियों की यह निवेकली कौम जो सी ये कायम की। उन्हां सतगुरां दा यह पावन शस्त्र धारण दिवस मीरी पीरी दिहाड़ा आपां मना रहे हां। यह दिहाड़ा मनाउंदिआं होइआं अपने मन अंदर संकल्प लईए कि आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बख्शिश कीते मीरी और पीर दे सिधांत नूं समर्पित होइए, अमृतधारी हो के रहत विच परपक हो के शस्त्रधारी हो के आपां नाम बाणी विच जुड़दिआं होइआं सदा सदा वास्ते कौम की चढ़दी कला दे वास्ते अपने जीवन नूं समर्पित करिए। यही सतगुरां प्रति साडा सच्चा प्रेम होवेगा। विचारां करदिआं होइआं भुल्लां दी खिमा अगे दी समत बख्शणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादी हाँ ज्ञानी बलविंदर पाल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले जिन्होंने